हेलो बच्चा लोग, बहुत से बच्चे शुरू में कंफ्यूज रहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन टॉपिक में, है ना। तो मैं कुछ चीज़ें बता रहा हूँ जिसको हमको ध्यान रखना है, उससे प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ना आसान हो जाएगा। सबसे पहली बात कि प्रोजेक्टाइल होता क्या है, ठीक। तो हम डेफिनेशन की बात नहीं करते, हम एग्जाम्पल की बात करते हैं, आसानी से समझ में आएगा। जैसे प्रोजेक्टाइल वो चीज़ जिसको जब हम हॉरिजॉन्टल से अर्थ सरफेस के रिस्पेक्ट में किसी एंगल पर फेंके हवा में, है ना, तो वो एक कर्व पाथ को फॉलो करता हुआ आगे बढ़ता है। जैसे तीर धनुष से छोड़ा गया तीर, है ना, तोप का गोला, रॉकेट, ठीक। तो ये सब क्या होते हैं, ये यहाँ से फायर होंगे और ऐसा पाथ फॉलो करता हुआ ड्रॉप हो जाते हैं। तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम प्रोजेक्टाइल कहते हैं और ऐसे ऑब्जेक्ट के मोशन को हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं, ठीक है। जिस एंगल पे ये अर्थ सरफेस है, जिस एंगल पे, है ना, ये एंगल जिस एंगल पे हमने थ्रो किया वो कहलाता है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। जिस वेलोसिटी से थ्रो किया जाता है वो कहलाता है वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक। जितनी देर वो हवा में उड़ेगा, है ना, जहाँ से फेंका गया और जहाँ पे वो गिरा, लैंड किया, जितनी देर तक वो हवा में रहेगा उस टाइम ड्यूरेशन को हम नाम देते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, उड़ने का समय, ठीक है। इस पूरी जर्नी में वो एक सर्टेन डिस्टेंस तय करेगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, उसको हम कहेंगे हॉरिजॉन्टल रेंज, ठीक। और इस पूरी जर्नी में वो एक ऊंचाई भी गेन करेगा, ठीक है। तो इस ऊंचाई को हम कहते हैं मैक्सिमम हाइट, ठीक। अब दो कंपोनेंट्स कंसीडर होंगे वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन के, एक अलोंग हॉरिजॉन्टल जिसको यू एक्स या यू कॉस थीटा कहते हैं, दूसरा वर्टिकल वाई डायरेक्शन में जिसको यू वाई या यू साइन थीटा बोलते हैं, है ना। एक्सेलरेशन के केस में यहाँ पे होता है कि एक्सेलरेशन के भी दो कंपोनेंट, क्योंकि ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो जो एक्सेलरेशन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है ए एक्स वो हमेशा ज़ीरो होता है। मतलब प्रोजेक्टाइल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो मूव करता है वो यूनिफॉर्म मोशन में मूव करता है। मीन्स प्रोजेक्टाइल का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो हमेशा वेलोसिटी की वैल्यू होगी वो यू एक्स कंपोनेंट के बराबर होगी, मतलब यू कॉस थीटा ही होगी, ठीक है। इसलिए ए एक्स एक्सेलरेशन की हॉरिजॉन्टल वैल्यू ज़ीरो लेते हैं, ठीक है। और जो एक्सेलरेशन का वर्टिकल कंपोनेंट का वैल्यू है ए वाई, वो हम हमेशा माइनस जी लेते हैं, ये बात ध्यान रखना है, है ना। जब हम इंक्लाइंड पे, जब हम किसी एंगल पे फेंके हुए प्रोजेक्टाइल की बात कर रहे हैं, ऑब्लिक प्रोजेक्शन की बात कर रहे हैं, उस केस में एक्सेलरेशन का वर्टिकल कंपोनेंट हमेशा माइनस जी लेना है, ठीक है। यही कंपोनेंट जो है जब हम हॉरिजॉन्टली फायर प्रोजेक्टाइल पढ़ते हैं उसमें हम पॉजिटिव जी लेते हैं, प्लस जी लेते हैं, ठीक। तो ये बात हमेशा याद रखना दिमाग में, ठीक है। तो एक्सेलरेशन का एक्स कंपोनेंट जीरो, एक्सेलरेशन का वाई कंपोनेंट माइनस जी, किस केस में, ऑब्लिक प्रोजेक्शन के केस में प्रोजेक्टाइल के, ठीक है। और लास्ट चीज़ बचती है फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू। तो फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू हमको ध्यान रखना है कि किसी भी पॉइंट ऑफ मोशन पे प्रोजेक्टाइल के जो वी एक्स होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, वो यू एक्स के ही बराबर होगा। क्यों? क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले बोला कि ए एक्स जीरो होता है, हॉरिजॉन्टली जो है वो यूनिफॉर्म मोशन होता है, तो वेलोसिटी चेंज होगी नहीं, ठीक। वी वाई अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग वैल्यू होगी जो हम कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। लेकिन वी वाई में एक खास बात ध्यान रखनी है कि एट मैक्सिमम हाइट, जो मैक्सिमम हाइट होगा, मतलब इस जर्नी का जो मैक्सिमम हाइट है, है ना, वहाँ पे वी वाई की वैल्यू ज़ीरो होगी। वी वाई मतलब वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो है, इसीलिए प्रोजेक्टाइल उस हाइट से ऊपर उठना बंद हो जाता है, वो एक हाइट गेन करता है, यहाँ पे आके उसका वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी का जीरो हुआ, जिसके कारण वो और ऊंचाई उठना बंद हो जाता है और फिर वो फॉल होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो मैक्सिमम हाइट पे क्या होगा, वी एक्स यू एक्स के ही बराबर रहेगा, लेकिन वी वाई ज़ीरो कंसिडर होगा, ठीक है। तो अब इस वीडियो के बेसिस पे मैं रेकमेंड करूँगा कि स्टूडेंट एस सी वर्मा बुक पढ़े, उसमें जो प्रोजेक्टाइल मोशन दिया है, है ना, उसी के बेसिस पे मैंने इस वीडियो में कंटेंट बताया है, तो उस बुक को आप फिर पढ़ें, प्रोजेक्टाइल मोशन वहाँ से पढ़ें, उम्मीद है बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। चलो, ऑल द बेस्ट।